दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़ होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनको हमेशा के लिए सेव करके किस तरीके से रखें, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। दोस्तों आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ जाती है, लेकिन आपके जो फ़ोटोज़ होते हैं वो आपको सेव ही मिलेंगे, हमेशा के लिए वो सेव हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेट पर चले जाएंगे। ठीक है, आपकी जो जीमेल होती है वहाँ पर चले जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ एक छोटी सी सेटिंग्स करना है और आपके फ़ोटोज़ हमेशा के लिए आपकी फ़ोन की गैलरी में ही सेव हो जाएंगे। अगर आप गैलरी से डिलीट भी कर देंगे तब भी वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके सामने नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटोज़ खींच के दिखा देता हूँ। ठीक है, फ़ोटो एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये वाली फ़ोटोज़ एक क्लिक की है और एक मैंने ये वाली फ़ोटोज़ यहाँ से क्लिक कर दी है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से दो फ़ोटोज़ क्लिक कर दिए हैं। अब दोस्तों ये फ़ोटोज़ हमें अगर देखनी है तो हमें कहाँ मिलेंगी? हमें मिलेंगी अपने फ़ोन की गैलरी में। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी फ़ोन की गैलरी ओपन कर लूँगा। ठीक है, देखिए दोनों फ़ोटोज़ यहाँ पर आ चुके हैं। पहले मैं यहाँ से ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जितनी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर हैं, अभी मैंने यहाँ पर ये दो फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। अब इसको यहाँ से देखिए बड़ा कर देता हूँ। देखिए एक ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर क्लिक की है और एक ये वाली फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक की है। अब दोस्तों अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं तब भी आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, हमेशा के लिए आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगी। ठीक है, और स्टोरेज भी इससे आपकी जो है कभी भी स्टोरेज आपकी फुल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पर चले जाना है। दोस्तों यहाँ से इस गूगल वाले फ़ोटोज़ को आपको ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहां से इसको ओपन करेंगे आपके सामने देखिए फ़ोटोज़ आ चुके हैं। यहां पर सारे फ़ोटो आ जाएंगे। अभी ये दो फ़ोटोज़ भी यहां से आ चुके हैं। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आप यहां पर इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहां पर अपलोडिंग का। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएगा। आपको इधर करना है और ये वाला फ़ोटोज़ भी यहाँ से इसको अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फ़ोटोज़ जो हैं यहाँ से अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको बैक चले जाना है। दोस्तों उसके बाद में आपको करना है क्या, आपको अपने फ़ोन की गैलरी में जाना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से गैलरी में चले गए। अब आपको यहाँ से ये वाले फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। देखिए ठीक है, आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और दोनों फ़ोटोज़ यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट आप कर देंगे। ये दोनों फ़ोटोज़ जो हैं यहाँ से मैंने डिलीट कर दिए आपके सामने। ठीक है, अब आपको वही गूगल वाले फ़ोटो वाले ऑप्शंस पे जाना है और देखिए ये जो फ़ोटोज़ हैं यहाँ से ये डिलीट नहीं होंगे आपके। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको कैसे करके दिखाया कि एक एक करके। ठीक है, आप चाहें तो इस पर ऐसे भी करके कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी फ़ोटो आप चाहें। ठीक है दोस्तों, ये तो था एक सिंपल सा तरीका। ठीक है, आपको हर बार फ़ोटो को जो है अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि हर बार आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़े, यानी कि आप जब भी फ़ोटो क्लिक करें वो ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ से करना क्या है, आपको यहाँ पर चले जाना है। और दोस्तों इसमें है क्या कि जब भी आप अपनी जिस भी जीमेल आईडी पर, जो भी आप जीमेल आईडी चलाते हैं, ठीक है, उस जीमेल आईडी पर जब भी आप फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, जैसे कि ये जीमेल पर ही चला गया, अगर आपका फ़ोन टूट जाता है, गुम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है आपके फ़ोन के साथ में, ठीक है, तो आपको ये वाली जो जीमेल है वो अपनी लॉगिन कर लेनी है किसी भी फ़ोन में, या फिर अपना जो नया फ़ोन लेंगे उसमें भी कर सकते हैं। और जितने भी आपके फ़ोटोज़ हैं वो सब के सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ओपन कर लेते हैं इसको। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको फ़ोटो सेटिंग्स पर जाना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए बैकअप लिखा है, आपको यहाँ पर बैकअप पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको बैकअप को ऑन कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से अपनी जो जीमेल आईडी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी रखनी है। अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा जीमेल आईडी है तो यहाँ पर शो कर जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये वाली यहाँ से रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये वाली यहाँ पर कर दी। अब दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है आपको। ठीक है दोस्तों, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए बैकअप क्वालिटी पर चले जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आपको ओरिजिनल क्वालिटी रखनी है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। स्टोरेज सेवर आप ये वाला रखिए। ठीक है, स्टोरेज सेवर यानी कि इसमें आपका जो डाटा इंटरनेट है वो कम खर्च होता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपका जो इसमें है वो देखिए 16 MB इस टाइप से खर्च होगा, 24x16 मतलब बहुत कम। ठीक है, जो आपके साइज़ है वो बहुत कम आएगा। ठीक है, सिलेक्ट रहने देना है। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आना है मोबाइल
डाटा यूसेज, ठीक है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ से अपनी एमबी सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि पर डे में कितनी लिमिट आप एमबी देना चाहते हैं फ़ोटोज़ को। ठीक है, तो यहाँ से आप 5 MB, 10 MB या 30 MB भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 30 सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। और ये जो दोनों यहाँ से आपको इसको बैकअप वीडियोज़ ओवर डाटा, ठीक है, और बैकअप वाइल रोमिंग डाटा, आपको यहाँ से इसको दोनों को ओपन कर देना है। ठीक है, इसको दोनों को यहाँ से ऑन कर देना है और यहाँ से आपको चले जाना है दोस्तों बैक। दोस्तों इस तरीके से आपका पूरा का पूरी जो सेटिंग्स है फ़ोन की वो हो चुकी है। अब आप जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे वो आपके इस वाली जीमेल आईडी पर, यानी कि आपको गूगल फ़ोटो में सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से किसी भी फ़ोटोज़ को जब भी आप क्लिक करेंगे बहुत ही आसानी से वो आपके इंटरनेट पर हमेशा के लिए आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।